सो गाइस हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फैमिली। एक्चुअली अभी मैं यहाँ पे रशिया में हूँ, तो यहाँ पे न्यू ईयर बहुत धूमधाम से बनाते हैं। आज ही नहीं बना रहे हैं क्योंकि कोविड के कारण। एक्चुअली मास्क नहीं लगा रहा क्योंकि मेरे आँखों के अंदर धुंध छा जाती है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि रशिया में ये एक दिवाली है रशिया की, जो 31st की नाइट को बनाते हैं और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। बट आज अभी कोरोना चल रहा है, सबको पता है, कोरोना के कारण, कोविड के कारण यहाँ पे नए रूल्स आए जिससे ये मतलब बहुत कम लोग, बहुत ना के बराबर लोग बाहर निकले हुए हैं और ये सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, मतलब घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे आज भीड़ नहीं है, नहीं तो पिछले साल में इतनी भीड़ थी कि बस सोचो मत। और यहाँ पे आतिशबाजी भी हो रही थी। वैसे मैं आज आपको दिखा देता हूँ, देखो ये सजा हुआ है पीछे से पूरा। मैं आज आपको अभी इसकी मतलब ये सब कुछ दिखा दूँगा क्या सजा हुआ है। बट यहाँ पे आज बहुत कम बंदे हैं, मतलब लोग हैं। तो देखते हैं कैसा है यहाँ की सजावट। बस ये है कि इतना अच्छा नहीं है जितना कि पहले था, बट मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा कि बहुत अच्छे से अच्छा बनाऊँ, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ कि क्रिसमस कैसे सजाते हैं, क्या करते हैं। रशिया के लिए ये एक बहुत बहुत अच्छा जो फेस्टिवल, जैसे इंडिया में दिवाली सेलिब्रेट होती है, जैसे रशिया के अंदर कि क्रिसमस डे, जो क्रिसमस तो अभी 7 जनवरी को आने वाला है रशिया का, क्योंकि यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स रहते हैं तो इनका क्रिसमस होता है 7 जनवरी को। और अभी ये न्यू ईयर ही सेलिब्रेट करते हैं 31st की नाइट। यहाँ पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है 31st दिसंबर की नाइट। बट इस बार कोविड के कारण ये सेलिब्रेट नहीं हो रही है यहाँ पे। ज़्यादा है कुछ लोग हैं, देखो साइड वहाँ पे फोटोग्राफियाँ चल रही है, फोटोज ले रहे हैं क्योंकि ये क्रिसमस ट्री है। बट इतना अच्छा नहीं जितना पिछले साल था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वहाँ पे क्या क्या है इनका। गाइस कैसा लगा वीडियो? माना कि छोटा सा वीडियो, ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं है। वो रीज़न पता है कि कोविड के कारण कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। बट मैं मेरे पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहता हूँ दिल से। मैं कामना करता हूँ कि इस साल आपके घर के अंदर सुख समृद्धि सब कुछ आए, एकदम अच्छा सा साल बीते। जानते हैं कि पिछला साल बहुत ही बेकार था, अच्छा भी था, उसने अपन को हिम्मत दी है लड़ने की। बट चाहता हूँ अगले साल आपके लिए बहुत अच्छा है। तो प्लीज़ पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपना नया साल स्टार्ट करें। बस मैं दुआ करता हूँ कि आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों अच्छी बनी रहे। आई एम सॉरी यहाँ पे कुछ ज़्यादा दिखाने का कुछ है नहीं, क्योंकि कोविड के कारण गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल लगा रखे हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्ट लॉ है जिससे कोई आ नहीं सकता, 5 आदमी से ज़्यादा घूम नहीं सकते, और भी बहुत सारे नियम हैं, तो उसको सब फॉलो कर रहे हैं। तो इसलिए घर पे बैठ के अभी आपको यहाँ पे आतिशबाजी की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही मुझे पता नहीं, बट यहाँ पे कई जगह आतिशबाजी हो रही है। तो गाइज आई होप आपने वीडियो पूरा देखा है, अच्छे से लाइक करना, कमेंट शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।